हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि जब आपका नेक छोटा होता है तो आप उसको बड़ा कैसे करें कुर्ती के नेक को। तो ये है कुर्ती मेरी, तो ये रेडीमेड ही है कुर्ती जो है, इस तरीके से आप देख रहे होंगे। जो इसका फ्रंट नेक है वो तकरीबन 6.25 है और बैक नेक तो इसका 2.5 इंच है, इसकी जो लेंथ है नेक की। तो मुझे जो है फ्रंट नेक को नहीं, बैक नेक को जो है इसका डीप करना है। तकरीबन 7.5 इंच जो इसका नेक है वो डीप करूँगी। तो सबसे पहले जो है ये पट्टी इसमें लगी हुई है, ये निकाल लूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, ये बैक पीस में से आप देख रहे हैं मैंने ये पट्टी भी निकाल ली है, और मुझे शोल्डर भी खोलना था तो मैंने यहाँ यहाँ तक जो है शोल्डर भी खोल लिया है। बिल्कुल स्लीव तक नहीं गए हैं, सिर्फ यहाँ यहाँ तक जो है हमने खोल लिया इस तरीके से। अब जो है ये जो बैक हमारा पीस है इसमें जो है हमें नेक डीप करना है और फिर वापस से पट्टी लगानी है। तो चलिए कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं शोल्डर पकड़ूँगी, इन दोनों को इस तरीके से मिला के, और हमें सिर्फ बैक पीस का ही करना है इस तरीके से। तो आपको अच्छे से सेट करना है इसको। तो ये देखिए, मैंने बैक पीस को इस तरीके से सेट कर दिया है। तो जो नेक की चौड़ाई है वो तो इतनी ही रहेगी, सिर्फ हमें लेंथ बढ़ानी है इसकी। तो यहाँ से हमें इस तरीके से 8 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं, क्योंकि शोल्डर भी दब जाएगा। आप देख रहे होंगे तो मैंने बिल्कुल शोल्डर से पकड़ा हुआ है और 8 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। और इस तरीके से जो है हमारा बॉक्स बन जाएगा। इसको हम गोलाई दे देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं जो भी टूल्स यूज़ करती हूँ, जैसे आर्मोल स्केल हो गया या फिर और भी जो टूल्स यूज़ करती हूँ, कई लोगों को क्या होता है कि अपने आसपास की दुकानों पे मिलता नहीं है जैसे, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है नीचे लिंक दिए हुए हैं वीडियो के, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर, तो आप वहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको ये दिख जाएंगे। तो वहाँ पर आप क्लिक करके आराम से मंगवा सकते हैं। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं अब। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस पे बुकरम वाला गला भी बना सकते हैं, पर जो मैं तिरछी पट्टी लगाने वाली हूँ इसमें, तो ये गला हमारा जो है इस तरीके से कट चुका है। ये देखिए, हमारा बैक पीस जो है फ्रंट पीस से भी ज़्यादा डीप हो चुका है, जितना कि हमें चाहिए था। अब इसमें हमें तिरछी पट्टी लगानी है, तो मैंने इसी के मैचिंग का जो है ये कपड़ा लिया है। अगर आपके पास ये कपड़ा नहीं है, मतलब कि कई बार क्या होता है हमारे पास मैचिंग के कपड़े नहीं होते, तो आप मार्केट से ले सकते हैं, आधा मीटर में ही आपका काम हो जाएगा। तो इसकी हम तिरछी पट्टी काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने दो पट्टियाँ काट ली हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच ली है। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको जोड़ लेते हैं हम। तो इस तरीके से रखना है इसको हमें। तो फ्रेंड्स, ये जॉइंट कर ली है। अब इसे जो हमें लगाना है नेक पर, वो हमें डबल करके लगाना है। तो इस तरीके से मैं डबल करूँगी इसको और नेक पे लगा लूँगी। तो ये सीधा तरफ है कुर्ते का, सीधी तरफ से ही हमें पट्टी को रखना है और उल्टी साइड जो हमें पलटा देना है पट्टी को। तो आपको खींचना नहीं है इसको, बिल्कुल आराम से।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये जो गोलाई है इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो हमें ये पूरा ही इस तरीके से पलटा देना है यहाँ पे। और फिर अगर आप चाहें तो सिलाई भी लगा लें, या फिर मैं इसमें तुरपाई करूँगी, तुरपाई से बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगा, मतलब कि सिलाई यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। उससे पहले जो है हमें शोल्डर जॉइंट करना पड़ेगा इसका। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरीके से मैंने रखा है, और ये जो पट्टी है वो इस तरीके से इस पे आ जाएगी। तो ये सिलाई लगा ली है मैंने शोल्डर पे। अब मैं इसको अच्छे से जो है पट्टी को बैक साइड में करके प्रेस कर लूँगी। तो फ्रेंड्स बन चुका है हमारा नेक, और ये देखिए मैंने इसको प्रेस कर दिया है, बहुत ही फिनिशिंग से बन गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है उल्टी साइड से जो है मैं तुरपाई करूँगी। अगर आप सिलाई करना चाहते हो सिलाई भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप सिलाई भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं, और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।